अभी मैं जिनसे बात कर रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी जिन्होंने हमें बताया कि शी इज़ अ ग्रैंड माँ, ये है उनके हस्बैंड, तो थोड़ी सी इनके भी ओपिनियन पूछते हैं. तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टुडे बीइंग एट केयरब्रा? Oh, wonderful, wonderful, you know, and I should say the best was my wife's speech. I'm just kidding. No, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, और there's a lot of food, so I will request everybody to please come and join you guys. Definitely, because आज second day हो गया है, तो कल last day है, और जिन जिन ने miss out किया है, उनको आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्यों यहाँ पर आना चाहिए? नहीं, उनको मैं यही कहूँगा कि उनको ज़रूर आना चाहिए. बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डांसेस, सॉन्ग्स, स्पीचेस, तो उनको आगे इंजॉय करना चाहिए. फूड बड़ा अच्छा है यहाँ पे, चाय, चाट वगैरह हर चीज़ तो ज़रूर खानी चाहिए. बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को अपने कल्चर का पता लगना चाहिए, अपने मुल्क का पता चलना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए. तो और अच्छा, तो आज आपने परफॉर्मेंस देखी जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने हमारे स्टेज पर आकर की थी, डिड यू सी दैट? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट था, तो अभी मैं रुकूंगा, जो लास्ट परफॉर्मेंस है ज़रूर देखूंगा. तो अगर आपने वो परफॉर्मेंस मिस कर दिए तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो ये सेगमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसमें हमने उनको पूरा रिकॉर्ड किया है, तो आप टोरंटो 360 के पेज पे जाकर उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और पूरा केयरब्रा इन्जॉय कर सकते हैं. तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी कम्यूनिटी के लिए? अपनी कम्यूनिटी के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो इस किस्म के प्रोग्रामों में शामिल हुआ करें, बच्चों को शामिल किया करें, उसके अलावा जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें, क्योंकि मैं खुद बहुत शामिल हूँ उसमें, तो उसमें शामिल हूँ, स्पेशली अपनी यूथ को, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, हमारे स्टूडेंट्स के आने के लिए यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो जब तक हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा. बिल्कुल, हमें खुद बाहर निकल के इनिशिएटिव लेना होगा, तभी कोई हमारी आवाज़ सुन सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड होपफुली आप कल भी यहाँ पर आकर इन्जॉय करेंगे, और इंशाल्लाह कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइज. सो गाइज, आई हैव अ जेंटलमैन विद मी, और मैं चल के इनसे थोड़ी सी बात करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? वालेकुम सलाम, माय नेम इज पर्ल, P-E-A-R-L. Wow, that's a very unique name, Pearl. And acha, to ye batae, how is your experience today being at Keyabram? Yeah, Keyabram is, this is a very good experience. I'm having this experience for last 15 years, Keyabram and Kerasaga, and I've been participating and volunteering. So what do you do as a volunteer? Talk with the people, and sometimes we had the stalls, and I volunteer just to explain the people the things. Like what's going on and stuff. Yeah, what's going on? What is the purpose of this? Because you know Pakistan is participating for the first time in Keyabram, not Kerasaga. So how is your feeling when you heard that Pakistan is going to be here as well? It's a good Pakistan if participate in the multicultural programs. 15 years or 14 years back, Pakistan's cultural ambassador came over here. And she had a program and Qawwali and all representation of Pakistan. That was very good, and I volunteered with her. So it's encouraging, yeah, to participate, because you become in the focus. The world knows you, what you are and what you were. So this is what importance of this multicultural program. Yeah, because in a way we are showcasing our culture and showing people what Pakistan is all about. So what is the best thing you found today in Pakistan's performance? Well, the performance, entertainments are good all around the world. The Pakistan is known as well, India is known as well, Bharatnatyam and all other dances, and the other cultural shows and dances. Those are good, Pakistan as well. So, is there a special message you would like to give the viewers? Because there's one day left. Tomorrow is the last day. So, people who are not here yet, what would you like to say to them so that they come to? Keep watching Toronto 360 TV. We'll be back after this. For these messages. Jee, Assalamu Alaikum, it's Asifa Beg here, and we are just outside of the Keyabram Arena. It's really hot and noisy inside, and it's beautiful out here. We have amazing food, and ladies, if you didn't make it here, look what you missed out on. Joking.
अच्छा ठीक है उर्दू मेरे पास है मेरे इर्द गिर्द है आई एम सराउंडेड बाय यंग मैन अमेजिंग यंग मैन दैट अभी इन लोगों ने परफॉर्म किया है पाकिस्तान के आई गेस ट्रिब्यूट सॉन्ग्स पाकिस्तान को मैं आपसे सबसे एक बारी बारी पूछती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने इंट्रोडक्शन करवाएं अभी आए हैं कब आए हैं पाकिस्तान से वेल माय नेम इज अली नूर आई मूव फ्रॉम दुबई हियर ऑन 2005 एंड इन कनाडा So we had an opportunity to play for the Pakistani Pavilion and hum log bahut khush naseeb hain thanks to Imran Noor and Anam Gill who brought Karabram and Pakistan Pavilion so this is our first performance at Karabram but also the debut of the Pakistani Pavilion itself to bahut acha laga perform karke we did a tribute to a lot of old songs classic songs jo to ek achhi feeling thi ke the songs we've grown up on and to have an opportunity to now play those songs so it was very very nice that's great ali thank you aapne recognize kiya anam aur imran ne in logon ne jo effort kiya na mujhe jab inhone pehle call kiya keh rahe the kara saga mein to pakistan ka hota hai lekin karabram mein pakistan ka pehle nahi hua so hats off to you guys anam and imran for all the hard work aur uski wajah se aaj humne in sab ko suna bar bhi I'm going to ask you next aapka na introduce yourself please sure hi everyone mera naam ahmed hai और मैं बैंड में प्रकर्शन ड्रम्स प्ले करता हूँ बेसिकली तो पहली बार कैराब्राम में पाकिस्तानी पवेलियन में काफ़ी अच्छा लगा आके इससे पहले मिसेस सागा के कैरा सागा पवेलियन में हमने परफॉर्म किया था पाकिस्तानी पवेलियन में वहाँ पे और इट वाज ग्रेट आई मीन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शुक्रिया कहना चाहूँगा सबको जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और जिन्होंने हमें ये ऑनर दिया कि हम आके यहाँ परफॉर्म किया मुझे पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 2001 में मैं आया था तो 17 साल हो गए अच्छा सो यू नो मैं सोच रही हूं कि आप लोगों को इतनी देर हो गई आए हुए जी और दिस इज सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग आई थिंक आई नीड द माइक हियर आई एम सीइंग यू गाइस वी नीड टू सी यू गाइस मोर जी बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो हम लोगों को मौका मिलता रहेगा एंड इंशाल्लाह वो कीप कमिंग अप देयर इज अ लॉट टू डू और मैं कहूँगी कि आज सैटरडे और कल का दिन भी यहाँ देर इज़ गोइंग टू बी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं देर इज़ लॉट्स ऑफ कल्चरल इवेंट्स गोइंग ऑन सो प्लीज़ अपना कैलेंडर क्लियर करें और आएँ अदरवाइज यू आर गोना मिस मोर स्टफ लाइक दिस और आप हाय मेरा नाम फैजान है मैं कराची से हूँ और इट्स बिन 3 ईयर्स लाइक 4 ईयर्स सॉरी तो मैं कनाडा से कहना आया था कराची से बाकी बिसाइड्स दैट आई प्ले गिटार फॉर वैशी परिंदे फॉर अली नूर फॉर अदर लाइक म्यूजिशियंस एज वेल आई एम आल्सो वर्किंग ऑन माय सिंगल आई एम डूइंग आल्सो प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एज वेल इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई जस्ट वांट टू लाइक थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन लाइक इट वॉज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द एवरीवन डिड एन अमेजिंग जॉब या पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं इन्होंने क्या कहा और एक्चुअली मैंने इनसे पहले पूछा था आप लोगों का ग्रुप का नाम क्या है कहते हैं हम इंडिविजुअली करते हैं लेकिन जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारा नाम है वैशी परिंदे वैशी जी मेरा नाम आतिफ है मैं एक्चुअली एक टूरिस्ट हूँ मैं ह्यूस्टन से आया हूँ और मुझे कभी पकड़ लिया गया है और मेरे ये छोटे भाई हैं मैं इनसे मिलने आया था And I somehow ended up with this group, you know, in this band, and I love it. You know, I mean, I just met Ali, and but ah, मैंने बस इनके गाने सुने. I'm actually a bass player, professional bass player. तो मेरे लिए इतना problem नहीं था. But it was still an honor to be able to play with my little brother. He used to play with the band Moj, also one of the guitarists. He's a session player in Coke Studio, Umran Shafiq. Oh, you played in Coke Studio. Gigi. You played in Coke Studio. No, I haven't played in Coke Studio, but I'm related to, or with the band that now plays for Coke Studio. वेरी गुड सो वेरी गुड थोड़ा सा मुझे बताएं अली कि क्या आगे क्या प्रोग्राम है ये तो है कि आप कल भी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं मे बी नॉट दैट्स ओके आई थिंक वी गिव छोटे डोजेस में आई थिंक इट्स फाइन बट या वी लुक फॉरवर्ड टू मोर परफॉर्मेंसेस आई थिंक वी आर जस्ट गोना सेलिब्रेट राइट नाउ जो व्हाट वी हैव डन टुडे एंड अचीव टुडे एंड देन वर्क फॉर टुमारो जब सुबह आंख खुलती है I don't know about you but you come here and there's lots of good food. Acha bataye aap log kuch ikatthe bhi soch rahe hain karne ka going from here you all working individually ya ikatthe bhi program hai No I think that's the goal ke we all have our individual music we do our individual lives and everything but we get together hum jab saath milte hain to saath mein music banate hain to I mean एक दूसरे से बेस्ट निकालता है तो आई थिंक वी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर एंड आई मीन सेम थिंग फॉर फैजान टीम वर्क्स मेक्स द ड्रीम वर्क ब्रिंग सम अमेजिंग थिंग्स लाइक एज अ टीम या वी वैशी परिंदे
यू नो, और मेरा नहीं, आई डोंट नो, आई हो सकता है मुझे पता ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ टोरंटो में कोई बॉय बैंड हमारी कम्युनिटी से है कि नहीं. हमारी कम्युनिटी है ऑब्वियसली, लेकिन म्यूज़िक के हवाले से काफ़ी कम है. बट मैं ये समझता हूँ कि ऑडियंस इज़ आउट देयर एंड देर लुकिंग फॉर अ बैंड, तो दे नीड अ बैंड. तो हम लोगों ने ये कोशिश की है, ये इस इवेंट के बदौलत हमें जो है, हम सब इकट्ठे हुए, हमने प्रैक्टिस की, हम सबको बहुत अच्छा लगा, केमिस्ट्री हुई, कोऑर्डिनेशन हुई, एंड देन हमने यहाँ परफॉर्म किया, आपके सामने रिजल्ट था. तो अब इससे आगे जो है वो भी प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड हैविंग मोर इवेंट्स and probably practicing more and becoming a stronger band and That's amazing. That's amazing. We will definitely be looking for you guys. Is that good? Yeah. So guys, shukriya bahut bahut aane ka. Aur mera khayal hai ki from what I'm seeing, sabne aapki performance bahut enjoy ki hai. And I really hope inko bhi rakh hi le. I socha inka return ticket chupa. Where did you come from and where are you going? Houston, Texas. Acha, acha, very good. Well, Atif, thank you. I'm glad you're here for your visit. Toronto 360. We'll be back right after 1 minute.